दोस्तों, हम जब भी आसमान में तारे, सूरज, ग्रहों को देखते हैं तो वे सभी हमें घूमते हुए दिखाई देते हैं। हमें अक्सर ये महसूस होता है कि ये सभी स्पेस ऑब्जेक्ट हर सेकंड पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। पर अगर मैं कहूँ कि अंतरिक्ष में ये सभी ग्रह तारे नहीं बल्कि हमारी पृथ्वी ही है, जो करीब 1600 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से अपने एक्सिस पर घूमती है। पर दोस्तों, हमें ये स्पीड महसूस क्यों नहीं होती? आखिर क्या वजह है जो 1600 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार में भी हमें कुछ भी महसूस नहीं होता? वेल, आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि अगर पृथ्वी घूमती है तो हमें पृथ्वी का घूमना महसूस क्यों नहीं होता। तो मेरा नाम है गौरव, चलिए शुरू करते हैं ब्रह्मांड टीवी के आज के इस नए एपिसोड को। दोस्तों, पृथ्वी अपने ऑर्बिट एक्सिस पर 24 घंटे में एक पूरा रोटेशन कंप्लीट कर लेता है, जो करीब 1000 माइल्स पर घंटे की स्पीड यानी 1600 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड होती है। पृथ्वी के घूमने के कारण ही हम रोजाना रात के समय चांद, अन्य तारे और सौर मंडल के ग्रहों को देख पाते हैं, लेकिन हमें कभी भी पृथ्वी का घूमना महसूस नहीं होता। वेल, ऐसा क्यों? क्योंकि आप और पृथ्वी में मौजूद सतह, समुद्र और वातावरण सभी पृथ्वी के साथ साथ सेम कांस्टेंट स्पीड में घूमते रहते हैं। अगर पृथ्वी का घूमना एकदम से बंद हो जाता है तो हमें ये स्थिरता महसूस होगी। वो कैसे? वेल, इस कंसेप्ट को हम एक एग्जांपल से इजीली समझ सकते हैं। सोचो कि आप एक कार में सवारी कर रहे हैं या प्लेन में। जब तक आपकी ये राइड स्मूथली चलती रहेगी, तब तक आपको यकीन नहीं होगा कि आप मूव कर रहे हो। अगर आप अपनी आंखें बंद करके मेट्रो में सवारी कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा कि आप मूव कर रहे हो, क्योंकि आपकी मूविंग स्पीड और मेट्रो की स्पीड दोनों ही कांस्टेंट होगी। लेकिन अचानक से मेट्रो में ब्रेक लगती है तो आपको अपनी स्पीड का फोर्स महसूस होगा, क्योंकि आपकी और मेट्रो की स्पीड कांस्टेंट रेट पर अब नहीं है। इसलिए ही हमें पृथ्वी पर यह स्पीड महसूस नहीं होती, क्योंकि पृथ्वी हमेशा से ही कांस्टेंट स्पीड पर स्पिन कर रही है और हम भी पृथ्वी के साथ उसी स्पीड में घूम रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं लगता। पर अचानक से पृथ्वी की स्पीड तेज या कम हो जाए तो उस समय ये फोर्स हमें अच्छे से महसूस होगी। दशकों पहले जब हमारे पूर्वज पृथ्वी से रात के समय तारे, ग्रहों और चांद को देखते थे तो उन्हें लगता था कि वे रोजाना पृथ्वी के सामने आते थे, लेकिन तब उन्हें ब्रह्मांड की असली नेचर के बारे में नहीं पता था, क्योंकि वे पृथ्वी की रोटेशन स्पीड को महसूस नहीं कर पाते थे। इसलिए वे मानते थे कि पृथ्वी स्थिर है और स्वर्ग हमारी आंखों के सामने से रोजाना जाता हुआ दिखाई देता है। लेकिन 16वीं सदी में यह अंधविश्वास को गलत साबित कर दिया गया था, जब निकोलस कॉपरनिकस का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सामने आया था। उनके इस मॉडल के जरिए दुनिया को ये पता लगा था कि पृथ्वी अपने एक्सिस पर लगातार घूम रही है। इसलिए हम क्लियरली ऐसा समझ सकते हैं कि पृथ्वी एक गाड़ी है जिसमें हम अपनी पूरी जिंदगी की सवारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए ब्रह्मांड टीवी को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।